नमस्कार दोस्तों। वाह वाह, क्लियरली पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? ओह सॉरी, लेकिन ये कंपैरिजन सीरीज का ब्राउन ब्रेड वर्सेस वाइट ब्रेड में जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, एकदम हेड टू हेड, नो बकवास, ओनली प्योर इन्फॉर्मेशन। सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियो? हाँ जी सर। ब्रेड में तो पता चल गया कि कौन सा वाला खाना चाहिए, अब राइस में क्या? ये वीडियो के एंड तक आपको राइस में भी पता चल जाएगा कि घर में वाइट राइस आएगा या फिर ब्राउन राइस। हाँ जी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमें हॉस्पिटल की लाइन में कम लोगों को लगाना है और हेल्दी कंटेंट सबको कंज्यूम कराना है। कैसे, एक बार आप लोग मेरे साथ फिर से रिपीट करोगे? हमें हॉस्पिटल की लाइन में लोगों को कम लगाना है और हेल्दी कंटेंट सबको कंज्यूम कराना है और चैनल भी सब्सक्राइब कराना है। वाइट राइस कहे या सफेद चावल, हमने बहुत खाए हैं घर से लेकर एक्स की शादी तक। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो का फ्लो बता देता हूँ ताकि टाइम किसी का वेस्ट ना हो। पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में, दोनों राइस के प्राइसिंग के बारे में भी बात करेंगे, और बात करेंगे खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हम होने वाले नुकसान से बच सके। दोस्तों, मैंने नोटबुक पेन हाथ में ले लिया है, अब आपका काम है स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम दोनों का दुख और दर्द कोई नहीं समझ सकता। बजाओ ताली। वेल, 100 ग्राम अनकुक वाइट राइस में 350 कैलोरीज मिलती है एंड ब्राउन राइस में 348 कैलोरीज मिलेंगी आपको। और कार्ब्स, वाइट में कार्ब्स मिलेंगे आपको 78 ग्राम एंड ब्राउन में मिलेंगे 75 ग्राम्स। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है कार्ब्स में, लेकिन एक बात बताओ, प्रोटीन कितना मिलेगा? वहीं प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन वाइट राइस में 8.2 ग्राम मिलेंगे एंड ब्राउन राइस में 9.7 ग्राम। टोटल फैट वाइट में 0.5 ग्राम्स मिलेगा एंड ब्राउन राइस में आपको मिलेगा 2.5 ग्राम्स। इंटरेस्टिंग, एंड इन्हीं सब से पता चलता है कि क्या बेटर है। लेकिन सोडियम कितना होता है, कुछ आइडिया इसके बारे में? वाइट राइस में सोडियम आपको 0.75 मिलीग्राम मिलता है एंड ब्राउन राइस में मिलेगा आपको 5 mg। वही फाइबर की बात करें तो वाइट में आपको मिलेगा 1.9 ग्राम एंड ब्राउन में मिलेगा आपको 2.5 ग्राम्स। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है, फाइबर डाइजेशन में हेल्प करता है, करेक्ट? एग्जैक्टली। एंड वाइट में आपको जो कैल्शियम मिलेगा 7.6 mg मिलेगा और ब्राउन में मिलेगा 11 mg। और आयरन, आयरन मिलेगा आपको वाइट में 1.08 मिलीग्राम और ब्राउन में 1 mg। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, यहाँ कंपैरिजन ना एक ब्रांड के राइस का किया गया है, बाकी ब्रांड टू ब्रांड वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे इतना खास डिफरेंस नहीं लगा वाइट एंड ब्राउन राइस में। ऑल दो ब्राउन का पलड़ा भारी है, बट मुझे जानना है कि ब्राउन को ही इतना हेल्दी कंसिडर क्यों किया जाता है। इसके लिए समझना होगा कि वाइट एंड ब्राउन में क्या मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है। वाइट राइस की प्रोसेसिंग के दौरान इसमें से ब्रैन एंड जर्म को रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा, लेकिन ये जो ब्रैन एंड जर्म का फ़ायदा क्या है? देखो, ब्रैन से आपको फाइबर से लेकर मिनरल्स, विटामिन्स मिलते हैं जो कि वाइट राइस में नहीं मिलते, ब्राउन राइस में मिलते हैं। जर्म से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स मिलते हैं जो कि हार्ट हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट्स के अच्छा सोर्स माना जाता है। और ये बेनिफिट्स मिलेंगे बस ब्राउन राइस से? ऐसा भी नहीं है, वाइट राइस में एडेड विटामिन्स भी होते हैं, लेकिन नेचुरल तो नेचुरल होता है। अब समझ आया कि ब्राउन राइस क्यों इतना पॉपुलर है फिट लोगों के बीच में और एक्टिव लाइफस्टाइल वालों के बीच में। इवन आफ्टर कोरोना, उसके इम्पैक्ट से लोगों ने अपनी हेल्दी हैबिट्स को सीरियस लेना शुरू कर दिया है। प्लस वी ऑल नो विच राइस इज बेटर, एंड अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रिसर्च जो 2020 में की गई थी, ग्लोबल मार्केट ऑफ ब्राउन राइस जो उसकी वैल्यूएशन निकली थी वो थी $9.30 billion। और एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2028 तक इसकी जो वैल्यू होगी 13.27 billion तक ग्रो कर सकता है। वाओ, दिस इज ह्यूज मनी, राइट? और मनी से याद आया कि प्राइस में क्या फ़र्क है दोनों में, वाइट और ब्राउन राइस में। प्राइसिंग की बात करें तो मैं आपको एक अच्छे ब्रांड का आइडिया दूँ तो वाइट राइस 98-100 रुपीज़ के आसपास पड़ जाएगा एंड ब्राउन राइस आपको 148-150 का मिलेगा। और बाकी प्राइस ब्रांड टू ब्रांड डिफरेंट हो सकता है। वही बात हो गई है तो कि जितनी चीनी मिलाओगे उतनी ही मिठास पाओगे, मतलब कि जितने ज़्यादा बेनिफिट्स उतनी ज़्यादा महंगी चीज़ मिलेगी।
लेकिन एक बात बताओ, मार्केट में इतने सारे हैं तो चूज़ कैसे करें? देखो, ख़रीदने से पहले न्यूट्रिशन लेवल देखो उसका, और स्मार्ट कस्टमर बनो, क्योंकि जो न्यूट्रिशन लेवल से ही उसकी आपको कुंडली पता चल जाएगी कि उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, सारी चीज़ें यहाँ तक की। सो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को आगे तक शेयर करें, क्योंकि जैसे आपको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट एंड शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलें। और ये ब्राउन एंड वाइट का कंपैरिजन आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे आपकी और सबकी हेल्प होगी और हमारी भी।